दोस्तों यदि आप आर्मी में ऑफिसर बनना चाहते हैं और आपने ग्रेजुएशन डिग्री कर ली है, बीए बीएससी कर लिया है, कोई अन्य ग्रेजुएशन डिग्री कर ली है और आप आर्मी में ऑफिसर बनना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आर्मी ऑफिसर कैसे बन सकते हैं बीए बीएससी करने का, दोस्तों आज के स्टूडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। यदि आप महिला है और आप सोच रहे हैं कि क्या महिलाएं भी आर्मी ऑफिसर बन सकते हैं ग्रेजुएशन का, तो मैं आपको ये भी आज क्लियर कर दूंगा। दोस्तों आपको बता दें कि आर्मी ऑफिसर बनने के लिए ग्रेजुएशन के बाद बीएससी जो है वो एक सीडीएस नाम से एग्जाम कंडक्ट कराती है, इसकी फॉर्म होती है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। इस एग्जाम से आप आर्मी ऑफिसर बन सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद। तो चलिए आज हम आपको सीडीएस के बारे में पूरी जानकारी अच्छे से बता देते हैं इस वीडियो में, जिससे कि आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाए कि आर्मी ऑफिसर कैसे बन सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि योग्यता और एज लिमिट क्या होनी चाहिए, क्या आप ग्रेजुएशन के बाद आर्मी के अलावा एयरफोर्स या नेवी में ऑफिसर बन सकते हैं, एप्लीकेशन फीस क्या होनी चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होना चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या होना चाहिए, सैलरी क्या होनी चाहिए। दोस्तों आगे की डिटेल आप जानने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन रह जाए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं योग्यता एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए इसमें फॉर्म डालने की। दोस्तों सबसे पहले बात करी जाएगी योग्यता में नेशनलिटी राष्ट्रता क्या होनी चाहिए। दोस्तों आप भारत के नागरिक हो या 1962 के पहले ही आप नेपाल तिब्बत भूटान ऐसे शरणार्थी हों जो भारत में आकर बस गए, या भारतीय मूल का कोई ऐसा व्यक्ति जो श्रीलंका पाकिस्तान युगांडा केन्या के पूर्वी अफ्रीकी देश इथियोपिया संयुक्त गणराज्य तंजानिया मलावी वियतनाम जाम्बिया से भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से आया हो। अब दोस्तों बात करें एज लिमिट सेक्स की, यानी कि आपका लिंग क्या होनी चाहिए और मैरिटल स्टेटस क्या होना चाहिए और एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। दोस्तों इसमें अलग अलग होगी क्योंकि आप इसमें तीन तरीके से आप IM है, INA और IAF है और OTA में जा सकते हैं, तो इसकी अलग अलग क्वालिफिकेशन। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं IAM इंडियन मिलिट्री अकादमी भारतीय सैन्य अकादमी जो कि देहरादून में स्थित है, इसके लिए आप अनमेरिड मेल कैंडिडेट्स होने चाहिए जो इसमें आपकी एज जो 1923 के बीच में होनी चाहिए और आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से और किसी भी स्ट्रीम में, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं IAM के लिए सीडीएस के जरिए। दोस्तों दूसरा है INA इंडियन नेवल अकादमी भारतीय नौसेना अकादमी जो कि गोवा में स्थित है, इसमें भी आप अनमेरिड मेल कैंडिडेट्स होने चाहिए, इसमें आपकी एज जो है 1923 के बीच में होनी चाहिए और आपकी जो ग्रेजुएशन डिग्री है वो इंजीनियरिंग में होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। तीसरा जो इसमें IAF है इंडियन एयरफोर्स अकादमी, दोस्तों इसमें भी आप अनमेरिड मेल कैंडिडेट्स होनी चाहिए, इसमें आपकी एज जो है 1924 के बीच होनी चाहिए, इसमें आपकी अगर क्वालिफिकेशन की बात किया जाए एकेडमिक तो इसमें आप 10+2 पास होनी चाहिए मैथ और फिजिक्स के साथ, या फिर आपके पास डिग्री जो है वो इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। दोस्तों इसमें आप विवाहित भी चलेंगे लेकिन आप इसी एज लिमिट के अंदर होनी चाहिए 1924 और आप इसमें परिवार के साथ भी नहीं रह सकते। अब दोस्तों बात करें OTA की ऑफिसर ट्रेनिंग अकादमी, तो दोस्तों जो कि चेन्नई में स्थित में, इसमें आप अनमेरिड होनी चाहिए, यदि आप पुरुष हैं तो इसमें अनमेरिड होनी चाहिए। दोस्तों महिलाओं की बात करें तो इसमें आप महिलाएं भी फॉर्म डाल सकते हैं लेकिन IMA INA और IAF में महिलाएं फॉर्म नहीं डाल सकती हैं, लेकिन OTA में महिलाएं फॉर्म डाल सकती हैं। इसमें दोस्तों मेन जो होते हैं पुरुष होते हैं उनके लिए आप अनमेरिड होनी चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकती है और एज जो है सबकी सेम होनी चाहिए 1925 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं और आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से और किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। यदि आप महिला है तो आप अनमेरिड हूँ या विधवा हूँ या विवाहित तलाकशुदा हूँ, तभी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, एज आपकी 1925 के बीच में होनी चाहिए और ग्रेजुएशन आपका किसी भी स्ट्रीम से होनी चाहिए और किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी। अब दोस्तों बात करिए एप्लीकेशन फीस की, दोस्तों इसमें आप फॉर्म डालने के लिए आपके पास जो फीस है यदि आप जनरल कैटेगरी से या OBC कैटेगरी से, तो इसमें आपके पास ₹200 फीस होनी चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप SC ST या महिला है तो इसमें आपकी फीस 0 है। अब दोस्तों बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, दोस्तों ये एग्जाम है जो UPSC CDS कराती है, एग्जाम साल में 2 बार होता है। ये इसका अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो दोस्तों इसमें 3 चरणों में सिलेक्शन प्रोसेस होता है। सबसे पहले लिखित परीक्षा होती है, जब आप लिखित परीक्षा को क्वालिफाई करते हैं तो आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करते हैं, इंटरव्यू क्वालिफाई करते हैं तो आपका मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद आप तीनों में आपकी मेरिट बनती है, उसमें आप मेरिट में आ जाते हैं तो आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। आपने जो भी चूज करा होता है INA IMA IAF OTA आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। अब बात करें एग्जाम पैटर्न की, दोस्तों इसमें 3 पेपर होते हैं, यदि आप IMA और INA और IFA के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसमें 3 पेपर देंगे जो कि प्रत्येक पेपर 2 घंटे का होगा, जो कि 6 घंटे कुल मिला के 6 घंटे का, जो कि 100 नंबर का होगा तीनों पेपर, जो कि कुल 300 अंक होंगे। इसमें पहला पेपर इंग्लिश का होगा, दूसरा सामान्य ज्ञान का होगा, तीसरा मैथ यानी कि गणित का होगा। और यदि आप OTA के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें मैथ का पेपर नहीं होगा, इसमें ओनली इंग्लिश और GK का पेपर होगा जो कि कुल मिला के 4 घंटे का पेपर होगा। अगर दोस्तों बात किया इसके सैलरी की, दोस्तों सैलरी में आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो है इसमें आपका पे लेवल 10 होगा और आपको अन्य सुविधाएं भी मिलेगी। इसमें पे स्केल जो होगा आपका 56,600 से 1,77,500 रुपये के बीच में होगा और प्रमोशन के साथ साथ आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी। दोस्तों आज के स्टूडियो में आपको CDS से रिलेटेड यानी कि आप आर्मी में ऑफिसर बनना चाहते हैं सब कुछ जानकारी बता दी है। आपके मन में अभी कोई कन्फ्यूजन था हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और दोस्तों चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर कर दें और आपके मन में अभी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।